चलिए एक और अहम खबर का रुख करते हैं, जहां लंबा इंतजार किया जा रहा था मॉनसून को लेकर। अब मॉनसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है प्रदेश में, जहां डिंडोरी, नरसिंहपुर, बालाघाट में तेज बारिश से यहां सुबह की शुरुआत हुई है, तो वहीं घाटी में भूस्खलन से अमरकंटक शहडोल मार्ग अब बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो जिले हैं वहां लगातार बारिश की आशंका पहले ही मौसम विभाग ने जता दी थी, और अब बारिश हो रही है जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जलस्तर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है काफी नदी नालों में। और ऐसे में भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं कि इंतजार के बाद प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। डिंडोरी, नरसिंहपुर, बालाघाट में भी तेज बारिश हुई, राजधानी भोपाल में भी बादल बरसे हैं, और घाटी में भूस्खलन से अमरकंटक शहडोल मार्ग फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो भोपाल से खबर, जहां एक लंबा इंतजार मॉनसून को लेकर किया जा रहा था और आखिरकार मॉनसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी भोपाल में भी रात भर बारिश हुई है कई इलाके क्षेत्रों में, और उसके बाद आपको बता दें कि डिंडौरी, नरसिंहपुर, बालाघाट में भी तेज बारिश की खबरें यहां सामने आ रही है। घाटी में भूस्खलन से अमरकंटक और शहडोल मार्ग बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि यहां पर न हो। फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता अंजलि जुड़ गई हैं। अंजलि, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मॉनसून ने दस्तक दे दी, मौसम विभाग की तरफ से अब आगे क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि मानसूनी बादलों ने महाकौशल और विंध्य में अपना डेरा डाल लिया है। पिछले 24 घंटे बहुत सी जगह है बारिश हुई है, जिससे मौसम तो खुशनुमा हुआ ही है, वहीं लोगों को उमस और गर्मी से भी राहत मिली है। वहीं अगर हम बात करें कि जबलपुर में गुरुवार से सुबह बारिश हुई, फिर लगातार 24 घंटे से जो बारिश हो रही है, अगर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश डिंडोरी में हुई है। और वहीं अगर हम बात करें बारिश की वजह से पेड़ों में जो अंधाधुंध कटाई हुई है, जिसके दुष्परिणाम भी हमें अमरकंटक में देखने को मिले हैं। यहाँ केरार घाटी में बारिश के चलते मिट्टी बहने से बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं वो सड़क पे आ गई, जिसका मलबा हटाने का कोशिश की जा रही है, और जिसके चलते बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हुआ है। तो बस, और मौसम विभाग ने कुछ दिनों में तेज बारिश की संभावनाएं भी जताई हैं, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंजलि आपका शुक्रिया। तो एक अहम जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां रात भर बारिश हुई है राजधानी में, और ऐसे में एक लंबा इंतजार यहां मॉनसून को लेकर किया जा रहा था, और आखिरकार मॉनसून ने अब दस्तक दे दी है। डिंडोरी, नरसिंहपुर, बालाघाट में लगातार यहां बारिश की खबरें सामने आ रही है, और तेज बारिश से जो मौसम है अब वो सुहावना हो चुका है। ऐसे में घाटी में भूस्खलन से अमरकंटक और शहडोल मार्ग भी बंद कर दिया गया, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की कोई जनहानि यहां ना हो। मौसम विभाग की तरफ से भी कई जिलों में अलर्ट भी जारी यहां कर दिया गया है।